नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर में स्टार कंपेनर जो है कंपेनिंग के लिए जम्मू कश्मीर का जो है वो दौरा कर रहे हैं। ऐसे में कुछ ही दिन पहले जो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जम्मू के रामबन में आए थे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और उसी बात को आगे मद्देनजर रखते हुए, विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज होम मिनिस्टर अमित शाह जो है जम्मू के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर आज वो पहुंचेंगे अनुपम होटल में और मैनिफेस्टो जो है वो जारी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर राजनीतिक जो बैठक है उनकी होने वाली है और कल वो पलोड़ा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ऐसे में अगर आप यहाँ पर नजर डालें तो इस समय जम्मू में सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह जो है दो दिवसीय जम्मू के दौरे पर है। और आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को इस समय टाइट जो है वो रखा गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं विधानसभा चुनाव जो है उसकी घोषणा हो चुकी है, 18 सितंबर को जो है वो पहले फेज की जो है वो काउंटिंग होगी। और ऐसे में इस समय जम्मू कश्मीर में अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी इस समय काफ़ी ज़्यादा टाइट है। हर आने जाने वाले पर जो है इस समय पैनी नज़र रखी जा रही है। और आज होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा है, दो दिवसीय जम्मू का दौरा है, तो ऐसे में इस समय सिक्योरिटी के साथ साथ और भी बहुत सारे पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। हर आने जाने वाले को जो है चेक किया जा रहा है। अनुथम में आज वो आएंगे, जहां पर वो आज बीजेपी के मैनिफेस्टो को यानी कि घोषणा पत्रों को जो है वहां पर बताएंगे कि बीजेपी का इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मैनिफेस्टो है, उसके बारे में आज वो जो है बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के साथ भी जो है आज उनकी अहम एक बैठक होने वाली है। क्या कुछ तैयारियाँ जो है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो आज जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो डिस्कस करेंगे, किस तरह से जम्मू के लोगों का जो है दिल जीतना है और क्या कुछ खास तैयारियां इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर होंगी उसको लेकर जो है वो राजनीतिक जो इनके कार्यकर्ता है बीजेपी के उनके साथ जो है अहम बैठक भी करने वाले हैं। कल पलोड़ा से वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वहाँ पर एकत्रित होंगे उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि जब भी होम मिनिस्टर अमित शाह आते हैं तो लोगों के बीच में खासा उत्साह जो है वो देखने को नज़र आता है। ऐसे में आज अमित शाह जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जम्मू के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर मैनिफेस्टो तो वो आज अपना डिक्लेयर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी बैठकर अहम बैठक होगी। जो प्रत्याशी जम्मू कश्मीर से इस बार लड़ने जा रहे हैं उनके साथ बैठकर अहम बातचीत भी की जाएगी, किस तरह से क्या कुछ तैयारियां जो है आने वाले विधानसभा को लेकर इस समय चल रही हैं उस पर गहन चिंतन भी होगा। और उसके बाद जो है मैनिफेस्टो को रिलीज़ किया जाएगा अनुथम होटल में, तो अनुथम होटल में इस समय सिक्योरिटी जो है पूरी ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है 4 से 5 बजे तक अमित शाह जो है अनुथम होटल पहुँचेंगे और वहाँ पर जो है मैनिफेस्टो को रिलीज़ करेंगे और कल वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में अहम फैसले होंगे और क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में खास रहने वाला है वो हम आपको समय दर समय दिखाते रहेंगे। लेकिन सिक्योरिटी की इस समय अगर बात की जाए तो जम्मू में इस समय सिक्योरिटी को जो है चार चौबंद कर दिया गया है और इस समय हर किसी आने जाने वाले पर जो है वो पैनी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह का दो दिवसीय जम्मू का दौरा है, जिसमें क्या कुछ इस विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां होंगी उस पर बातचीत होगी। तो आने वाले समय में ये दौरा क्या विधानसभा के लिए रंग लेकर आता है और मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ये तो आज शाम को ही पता चलेगा जब अमित शाह जो है मैनिफेस्टो को रिलीज़ करेंगे। लेकिन फिलहाल हम तब तक आपको टाइम टू टाइम इसको लेकर जो है डिटेल स्टोरी बताते रहेंगे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और इसी अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।